Good morning, Assalamu Alaikum students. How are you all? I hope you are all fine and safe at home. Now take out your science book, open page number 9. Today we are discussing the second chapter of your half-yearly, Adaptation of Living Thing. First of all, we will discuss about how do animals and plants live in their environment. Kis tarah animals, plants jo hai, environment mein rehte hain. So first come to the vocabulary. First word is adaptations. Adaptation a change in a living thing over a time. Adaptation बोलते हैं जो living thing में change आता है over a time period के साथ साथ जो change आता है उसको adaptations कहते हैं. Second is grazing. To feed on grass or herbs. Grazing बोलते हैं जो जिनके feed जो है herbs या grass होती है. ठीक है. Now third is insectivorous, feeding chiefly on insects. Insectivorous are the more those animals which eat only insects. Insectivorous होते जैसे carnivorous हैं, herbivorous. Herbivorous क्या होते हैं? Herbivorous are those animals which eat only plants. Carnivorous are those animals which eat only meat. And इसी तरह insectivorous होते हैं. Insectivorous are those animals which eat only insects. Okay? Camouflage, something that makes an animal different from for enemies to see. Camouflage होते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो आपको प्लांट्स की तरह दिखते हैं. ये कहते हैं ना नजरों का धोखा. ठीक है. तो कुछ प्लांट्स की तरह दिखते हैं तो क्या होता है कि जो एनिमल्स एनिमीज होते हैं उनको शिकार करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है देखने में कि आइदर दे आर प्लांट्स और आइदर दे आर इंसेक्ट्स. तो उनको हम कैमोफ्लेक बोलते हैं. वो इजली जो है वो इस तरह होते हैं जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लीव की तरह या कुछ स्टेम की तरह दिखते हैं. तो क्या होता है वो इजली जो है ना दे जो शिकार करने आता है उसको क्या लगेगा जैसे कि स्टेम है. तो ये कैमोफ्लेक हम उनको बोलते हैं. एक्सटिंक्ट, नो लॉन्गर लिविंग. ओके. वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग प्रोड्यूस देयर यंग करेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स अ पास टू द नेक्स्ट जनरेशन. लिविंग थिंग ऑल्सो लिव इन मैनी डिफरेंट प्लेसेज ऑन अर्थ. यू नो वेरी वेल कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो बेसिकली बहुत सारी डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं और जो स्पेशल बॉडीज हैं फीचर्स एंड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स बिहेवियर उनका जो बिहेवियर होता है उनका ये यही सर्वाइव कर रहा होता है कि एनवायरनमेंट में किस तरह रह सकते हैं या आपके सराउंडिंग्स में किस तरह रह सकते हैं. उनकी जो बॉडी फीचर्स होते हैं या बिहेवियर होते हैं वो बेसिकली हेल्प ही कर रहे होते हैं कि वो सर्वाइव किस तरह रह सकते हैं कि वो सर्वाइव कितने दिन तक रह सकते हैं. इनके जो सराउंडिंग में हैं या उनका बॉडी फीचर्स है या उनका बिहेवियर है तो वही इनको रहने में मदद दे रहा होता है. तो इसी को हम एडेप्टेशंस बोलते हैं. एडेप्टेशंस कैन लिव लिविंग थिंग्स टू गेट फूड वाटर एंड एयर. एडेप्टेशन कैन हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज. एडेप्टेशन जो है यही हेल्प करती है लिविंग थिंग को कि वो जो है फूड ले सकते हैं वाटर एयर किस तरह ले सकेंगे और यही एडेप्टेशन जो है प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं एनिमीज से. एनिमल्स एंड प्लांट्स विद एक्सलेंट एडेप्टेशन हैव अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट. एनिमल्स और प्लांट्स में बहुत ज़बरदस्त एडेप्टेशंस होती हैं कि उनके पास एक बेटर चांस हो जाता है कि वो सर्वाइवल कर सकते हैं एनवायरनमेंट में. नाउ कम टू द सेकेंड पैरा, एडेप्टेशंस ऑफ बॉडी पार्ट्स. एनिमल्स एंड प्लांट्स एडेप्ट देयर बॉडी पार्ट्स टू लिव इन सर्टेन प्लेस. एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो अपनी बॉडी को अडेप्ट करते हैं ताकि वो रह सकें सर्टेन प्लेसेस में. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बर्ड. द नेम ऑफ द बर्ड इज पेलिकन. पेलिकन के क्या होते हैं जो फेडर्स होते हैं ना पेलिकन के जो फेडर्स होते हैं वो ऑयली कोटेड होते हैं. क्यों होते हैं ऑयली कोटेड? वो इस वजह से ताकि ये जो है वाटर प्रूफ की तरह काम आते हैं. इनके जो ऑयली कोटेड होते हैं वो फेडर्स को वाटर प्रूफ कर रहे थे ताकि वो ईजिली जो है फ्लाइट कर सकें. सेकेंड है इनकी बिल और थ्रोट. बिल कहते हैं चोंच को. ठीक है. बिल और थ्रोट जो है पेलिकन की वो एक पाउच की तरह होती है. इनकी जो चोंच होती है एक पाउच की तरह होती है जो हैंग की हुई होती है. उसमें क्या हो ये किस तरह मदद करती है कि इनको जब भी कुछ हमला करना होता है तो ये क्या करते हैं एक ऐसा नेट की तरह काम करती है. जैसे आपको नेट में मछलियाँ पकड़ते हैं तो जाल बिछाते हैं तो मछलियाँ नहीं आ जाती नेट में और फिर पानी निकल जाता है. इसी तरह इनकी जो चोंच है तो वो बिल्कुल पाउच जैसी होती है. क्या होता है कि ये जैसे ही पानी के अंदर डालती हैं तो क्या होता है कि ईजिली जो है ये फिश को कैच कर लेती हैं अपनी चोंच के अंदर और पानी जो है उससे वो निकल जाता है. थर्ड थिंग की वेब फीट.
वेब फीट जो होती है वो पेलिकन को मदद कर रही होती है कि वो ईजिली जो है वाटर में स्विम कर सकते हैं। डक की भी वेब फीट होती है, पेलिकन की भी वेब फीट होती है। वेब फीट होने की वजह से, चपटे फीट होने की वजह से क्या होते हैं, वो ईजिली स्विम कर सकते हैं वाटर। कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ। एलिफेंट, एलिफेंट हैज एडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ इट्स हैबिटेट। एलिफेंट जो है वो भी एडेप्ट करते हैं बहुत सारी कंडीशन, जैसे कि इनकी लॉन्ग ट्रंक है, ठीक है, इनकी जो ट्रंक है वो एज अ नोज के तौर पर यूज़ होती है, क्योंकि इनकी जो इनके पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल की जो होती है, जो सूंघने की जो होती है नोज, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। इनकी जो सेंसेस हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्मेल के। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज टू पिकअप फूड। इस लॉन्ग टीम के अजट जो ट्रंग होती है वो बेसिकली फूड को उठाने में मदद करती है। इनके जो लार्ज टीथ होते हैं वो ईजिली जो है कोई भी बार्क ऑफ ट्रीज ये आराम से खा सकते हैं, क्योंकि एलिफेंट लव्स टू ईट। एलिफेंट को खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये बार्क ऑफ ट्रीज ये सब, तो दे आर लविंग टू ईट। लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट हेल्प इट टू हियर वेरी सॉफ्ट साउंड। अच्छा, लार्ज ईयर जो होते हैं, इनके जो ईयर्स होते हैं वो लार्ज क्यों होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं ताकि जो है वो ईजिली सॉफ्ट साउंड्स जो होती हैं उनको सुन सकें। और सेकेंडली जो है इनके जो बेसिकली लार्ज ईयर्स जो होते हैं वो और भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि हॉट सीजन में जैसे गर्मियाँ आती हैं तो ये हवा के तौर पर यूँ करते हैं तो इनको एक कूलनेस महसूस होती है। The use size of the animals help is against any. अच्छा, इनका यूज साइज होने के भी एक बेनिफिट है कि इनके जो जाइंट यूज साइज है बिकॉज ऑफ देयर साइज, तो कोई भी जो एनिमीज होता है या कोई भी शिकार करने आता है तो वो इस जाइंट साइज के लिए थोड़ा अटैक करने में थोड़ा डरेगा, मुश्किल होगी उसको अटैक करने में, तो इसलिए बिकॉज ऑफ इस जाइंट साइज। नाउ कम टू द नेक्स्ट, द एंटलर्स। एंटलर्स क्या होते हैं? एंटलर्स के पास जो है वो स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं और इनके स्टेक कहते हैं सिंग को। इनके जो स्टेक्स होते हैं वो बेसिकली मदद कर रहे होते हैं एनिमीज से लड़ने के लिए, ठीक है। इनके जो ये स्टेक्स होते हैं, ठीक है, और ये जो है अवॉइड कर रहे होते हैं स्टेक जो इनके बारह सिंग निकले हुए, ठीक है। ये जो बेसिकली स्टेक जो होते हैं वो बारह सिंग होते हैं इनके, वो बेसिकली अवॉइड कर रहे होते हैं। जब भी कोई डेंजर महसूस होता है तो ये अपने सिंग का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी एनिमीज इनको शिकार करने आ रहा होता है तो इजली ये अपने स्ट्रॉन्ग लेग्स और ये सिंग जो स्टेक है उसका इस्तेमाल करते हैं। टॉर्टोइस, टॉर्टोइस के ऊपर एक हार्ड शेल होता है, यू नो वेरी वेल टॉर्टोइस हैज अ हार्ड शेल। और क्या होता है, जब भी इनको कोई खतरा महसूस होता है दे फील डेंजर, दे हाइड देमसेल्फ, ओके। तो क्या होता है कि वो इसके अंदर छुप जाते हैं आराम से शेल के अंदर, ठीक है। और अगर डेजर्ट टॉर्टोइस की बात की जाए तो डेजर्ट टॉर्टोइस जो होते हैं वो जो है अंदर जो है और बड़ी डूब जाते हैं ताकि जो है गर्मी से और शिद्दत जो होती गर्मी की वो उससे बच सके, और ये आराम से लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से बगैर खाए पिए रह सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, राइनोसॉर्स। राइनोस यूज एडेप्टेशंस एज सच एज देयर थिक स्किन, शार्प हॉर्न्स एंड हेयरलेस बॉडी। अच्छा, राइनोसॉर्स क्या होती है, उनकी जो स्किन होती है वो बहुत थिक होती है, शार्प इनके हॉर्न्स निकले होते हैं सिंग टाइप के, और हेयरलेस बॉडीज होती है जो कि सर्वाइव कर रही होती है कि आराम से सराउंडिंग में रह सके। द यूज साइज एंड हॉर्न हेल्प द एनिमल टू प्रोटेक्ट सेव द एनिमल फ्रॉम सर्वाइवल हीट। अच्छा, जो यूज साइज है इनका और ये जो हॉर्न है, हॉर्न जो इनकी निकली हुई है आगे से जो ये हॉर्न निकली हुई है, बेसिकली ये एनिमल्स ये जो है बेसिकली प्रोटेक्ट कर रही होती है एक तो एनिमल्स से, दूसरा ये है कि ताकि ये हीट से भी बच सकें। इस माउथ इज एडिक्टेड टू ईट फूड। इनका जो माउथ होता है वो दे आर ऑल्सो लविंग टू ईट। एंड द वाइट राइनो इज ग्रेजिंग एनिमल। वाइट राइनो क्या होता है, मैं ग्रेजिंग का मतलब है जिनके जो बेसिकली हर्ब्स में और प्लांट्स में ही रहते हैं उनको हम ग्रेजिंग कहते हैं। देखो, वाइट राइनो जो है वो ग्रेजिंग एनिमल है। इट ग्रेब्स लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राइड ग्रास विद ईच बाइट, सो इस माउथ इज ब्रॉड। वो आराम से इकट्ठा जो जितनी होती है ना ग्रास उसको आराम से ही मुंह में भर लेते हैं, और ताकि उनका जो माउथ होता है वो एकदम से ब्रॉड हो जाता है। तो इनमें ये क्वालिटी होती है कि लार्ज अमाउंट्स ऑफ ग्रास भी ना मुंह में भर कर खा लें। नाउ नेक्स्ट इज पोलर बियर। पोलर बियर लिव इन द कोल्ड क्लाइमेट, यू नो वेरी वेल पोलर बियर जो होते हैं वो कोल्ड क्लाइमेट जहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस या ठंडक होती है वहाँ रहते हैं। दे हैव थिक कोट्स ऑफ फर। इनकी जो बॉडी में ना थिक कोट ऑफ फर होते हैं, इनके जो फर होते हैं वो बहुत ही थिक होते हैं, ठीक है, जो जिसकी वजह से इनको वार्म रखते हैं, तो ईजिली ये ठंडी जगह में आराम से रह सकते हैं। देयर शार्प क्लॉज एंड टीथ हेल्प देम कैच इन ई फूड। इनके जो शार्प क्लॉज होते हैं, इनके जो पंचे होते हैं,
और उनके जो टीथ होते हैं वो बेसिकली पकड़ने में और खाने में मदद देते हैं। दे कैन स्विम अंडर द वाटर टू अ लार्ज डिस्टेंस, ये आराम से इजिली स्विम कर सकते हैं वाटर में, आराम से डिस्टेंस कितना भी लंबा डिस्टेंस हो तो ये इजिली ये स्विम कर सकते हैं। अ पोलर बियर नॉट्स वेयर क्लोथ्स व्हेन अंडर वाटर, अच्छा इनका ये है कि इनकी जो पोलर बियर के जो नॉस्ट्रिल्स होती है, जो नोज के होल्स होते हैं, वो क्या होता है अंडर वाटर जो है क्लोज हो जाते हैं, तो ईजिली आराम से स्विम कर सकते हैं, बहुत लंबे टाइम तक जो है ये आराम से स्विम भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं, क्योंकि इनकी जो नॉस्ट्रिल्स होती है वो क्लोज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज ईगल। ईगल आप बर्ड्स ऑफ प्रे, ईगल तो वैसे भी एक शिकार करने वाली बर्ड में आती है, ठीक है। दे हैव शार्प क्लॉज कॉल्ड टैलोंस, इनके जो शार्प पंजे होते हैं उनको हम टैलोंस कहते हैं। टैलोंस एंड शार्प बीक्स हेल्प देम टू हंट अदर एनिमल, ये आराम से इन्हीं पंजों को जो है ऊपर से ही देख लेते हैं, इनको कोई शिकार नजर आता है नीचे आता है, इन्हीं पंजों में इतनी ग्रिप होती है कि इसको ये आराम से झपटा मारता है कोई भी, चाहे वो रैट हो या कुछ भी, आराम से इन पंजों में इतनी ताकत होती है कि आराम से अपने शिकार इन पंजों में ग्रैप कर लेती है। ईगल्स कैरीज अ फिश और रैबिट इन देयर टैलोंस, ईगल आराम से जो है फिश हो या रैबिट हो उसको ईजिली जो है अपने पंजों में कैच कर लेते हैं। नाउ कंप्यूटर नेक्स्ट इज कैमल्स। कैमल्स लिव, कैमल इज अ डेजर्ट एनिमल, इसको हम कहते हैं इट इज अ शेप ऑफ अ डेजर्ट, ठीक है। क्यों कहा जाता है शेप ऑफ अ डेजर्ट, हम पढ़ेंगे क्यों कहा जाता है कि इसको शेप ऑफ अ डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेसिकली लिव इन डेजर्ट, और इसको और डेजर्ट जो है वैसे भी हॉट प्लेसेस होती है, और ये आराम से जो है वेल एडेप्टेड होते हैं कि ये आराम से डेजर्ट में रह सकें। दे हैव लार्ज फ्लैट फीट टू स्टेप देयर वेट ऑन द सैंड, असल में क्या होता है कि जो सैंड में होती हैं तो इनमें जो है इनकी जो लार्ज फ्लैट फीट होती है तो इनकी बॉडी जो है स्प्रेड करती है वेट रखने को, तो ये सैंड में आराम से लगती है इनकी जो लार्ज और फ्लैट फीट होने की वजह से, ठीक है। थिक फर ऑन द टॉप ऑफ द बॉडी प्रोवाइड्स, अभी देखें तो इनके जो है बॉडी पर थिक फर नज़र आ रहे होंगे, ये देखें ये बेसिकली प्रोवाइड करते हैं शेड को, ये शेड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दे हैव एबिलिटी टू गो फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट वाटर, ये आराम से काफ़ी लंबे अरसे तक पानी के बगैर रह सकते हैं। स्लिट लाइक नॉस्ट्रिल्स, मतलब स्लिट लाइक इनकी जो नॉस्ट्रिल्स होती है ना नाक पर थोड़ी सी आधे ऐसे स्प्लिट हुई भी होती है, ठीक है, आधी आधा समझ लें आप आधा, ठीक है। एंड टू रॉस ऑफ आईलैशेस, और इनकी जो आईलैशेस होती है टू रॉस में, वो स्पेशली के नाक में सैंड ना चले जाए या आंखों में सैंड ना चले जाए, तो इसमें इनको ये मदद करती है, तो ये ईजिली जो है आराम से इसी वजह से डेजर्ट में रह सकते हैं। तो इनकी लार्ज फीट होने की वजह की फीट ऐसी है कि अपना वजन पूरा उसमें पैर में रख लेंगे तो वो धंसते नहीं हैं, जैसे अगर हम अगर सैंड पे चले जाए तो हमारे पाँव धंसेंगे, क्योंकि फीट ऐसे चपटे होने की वजह से, लार्ज फीट होने की वजह से और फ्लैट फीट होने की वजह से इनके पाँव आराम से जो है सैंड पे चल सकते हैं, जब इनको जो है डेजर्ट एनिमल कहा जाता है, इट इज़ अ शेप ऑफ डेजर्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, एडेप्टेशंस इन प्लांट्स, अभी हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, नाउ प्लांट्स में भी क्या क्या एडेप्टेशन होती है, जैसे डेजर्ट प्लांट्स सच एज कैक्टस, जो हम कैक्टस देखते हैं ये डेजर्ट प्लांट्स हैं, आर वेल एडेप्टेड फॉर सर्वाइवल इन द डेजर्ट, अच्छा ये डेजर्ट प्लांट होते हैं डेजर्ट में ही रहते हैं। दे हैव स्टेम दे कैन स्टोर, अच्छा इनकी जो स्टेम होती है इसमें ईजिली जो है वाटर स्टोर कर लेते हैं, तभी ये लंबे अरसे तक रह भी सकते हैं विदाउट वाटर। वाइड स्प्रेड रूट सिस्टम दैट कैन कलेक्ट वाटर फ्रॉम अ लार्ज एरिया, इनके जो वाइड स्प्रेड रूट्स होने की वजह से क्या होता है कि ये ईजिली कलेक्ट कर लेते हैं और ये लार्ज एरिया में इनके वाटर कलेक्ट हो जाते हैं। थर्ड स्पाइन स्पीड्स इन सीट ऑफ लीव्स टू रिड्यूस वाटर लॉस, द स्पाइंस ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल दैट माइट ईट देम, अच्छा इनकी जो स्पाइंस निकले हुए थे, स्पाइंस जो इनके आप देखें तो कांटे निकले हुए होते हैं, ठीक है, ये जो कांटे निकले हुए होते हैं ये रिड्यूस कर रहे होते हैं, एक तो वाटर लॉस नहीं होता इसमें, दूसरा ये है कि कोई भी एनिमल अगर इनको खाने की कोशिश करेगा तो इसमें भी ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। नाउ सेकेंड इज फिक्स फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स, इसको कहते हैं फिक्स फ्लोटिंग सच एज लोटस, लोटस को कहा जाता है फिक्स फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स एंड वाटर लिली, adapted to live in water, ये क्या रहते हैं वाटर में रहते हैं। दे हैव ब्रॉड एंड वैक्सी कोटेड लीव टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रोटिंग, अच्छा इनकी जो है इनकी जो ब्रॉड और वैक्सी कोटेड लीव्स होती है, जो पीला सा आप देखते हैं ना कि ये जो पीला से थोड़ा सा नज़र आता है पीलेश येलोइश, ठीक है, कोटेड लीव होते हैं वो प्रिवेंट कर रहे होते हैं रोटिंग से, मतलब जो बोसीदा हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो इसकी वजह ये जो बेसिकली इनकी ये मदद कर रहे होते हैं। रूट्स डेट आर फिक्स टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड,
अच्छा इनके जो रूट्स होते हैं बिल्कुल बॉटम होते हैं, बिल्कुल पानी के अंदर, ठीक है. लॉन्ग हॉलो स्टेम्स टू रीच द सरफेस ऑफ द वाटर. और हॉलो स्टेम्स क्या होती है? हॉलो स्टेम्स जो होती है खोखला जैसे सुराख हुई भी स्टेम्स होती हैं, ठीक है. वो ईजिली जो है सरफेस ऑफ द वाटर पे ईजिली जो है वो खड़ी रहती है, ठीक है. प्लांट्स इन द स्वाइमी एरिया, स्वाइमी एरियाज कहते हैं दलदल को, ठीक है. सच इज मंगूस, ठीक है. मंगूस लाइव इन डेल्टास वेयर द सॉइल इज वेरी वेट. वो उन जगहों में रहते हैं जहाँ पे सॉइल जो है वो जो मिट्टी होगी वो गीली रहती है, जैसे दलदल है, गीली मिट्टी होती है. ठीक है. प्लांट्स हैव वाइट स्प्रेडिंग ब्रीडिंग रूट्स. इनकी जो होती है बिल्कुल वाइट स्प्रेडिंग, मतलब फैली हुई रूट्स होती है, ठीक है. These roots help them to take in air and trap nutrient from the mud. और ये इन्हीं मट जो होते हैं, गीलापन और जो होती है मिट्टी नुमा, इन्हीं से जो है ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और इन्हीं से जो है ये एयर भी ले रहे होते हैं, ठीक है. ये मदद कर रही होती है. लास्ट इज द लीव ऑफ सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स. अच्छा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, दे आर अलाइव, ठीक है. और ये लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं, तो ये बेसिकली इंसेक्ट्स को खाते हैं. फर्स्ट इज वीनस फ्लाई ट्रैप. दिस इज अ पिक्चर ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है. वीनस फ्लाई ट्रैप हैज लीव आर लाइक बॉक्सेस विच हिंजेस. अच्छा इनकी जो आप देखेंगे ना, ये वीनस फ्लाई ट्रैप जो होते हैं इनकी जो है बॉक्सेस नुमा होते हैं हिंजेस, ठीक है. हिंजेस की तरह एक लंबा सा ये जैसे कब्जा करने नहीं होता, एक इस तरह करके जो इनके मुंह खुले हुए होते हैं. वेन ए इंसेक्ट टचेस द हेयर ऑफ द एज ऑफ द लीव, इनकी जो हेयर ऑफ ये जो जैसे ये निकले हुए नहीं है, इस पर कोई भी इंसेक्ट टच करता है तो क्या होता है कि जो है ये लीव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं. और ईजिली जब वो कोई भी इंसेक्ट्स इनके ऊपर आकर बैठे तो वो ईजिली बंद हो जाते हैं और फिर ये अंदर चले जाते हैं, तो ये जो है इनको खा लेते हैं. प्लांट्स भी जो है इंसेक्ट्स को खाते हैं, ये आप ये देख लीजिए, जैसे कि ये वीनस फ्लाई ट्रैप. सेकेंड इज पिक्चर प्लांट. पिक्चर प्लांट क्या होते हैं? पिक्चर प्लांट्स की लीव जो है ना वो ऐसे होते हैं कंटेनर की तरह, ऐसे लंबे से, ठीक है, कंटेनर की तरह होते हैं. एवरी लीव हैज अ लिड टू कवर द माउथ. अच्छा इनके ऊपर एक कवर भी होता है, ये जैसे ऊपर देख ली ना, ये लिड होता है कवर, ठीक है. इनके माउथ को, ये माउथ है और ये कंटेनर की तरह है, इनके ऊपर ये कवर होता है. तो ये हर लीफ में, हर इसमें जो है ना इनके इस तरह ही बने हुए होंगे, ठीक है. इंसेक्ट्स माइट एंटर टू सक. अच्छा क्या इंसेक्ट्स क्या समझते हैं कि शायद कोई फ्लावर है क्या है, वो अंदर चले जाते हैं इसके, कि वो नेक्टर को सक, क्योंकि वो रस चूसते हैं ना, तो इनके वो समझते हैं कि इसके अंदर जाकर हमें रस मिल जाएगा. तो क्या होता है कि जो लीफ होते हैं ये अपना जो ऊपर का क्लोज होते हैं ये इसको बंद कर देते हैं, इंसेक्ट्स अंदर ही रह जाता है क्योंकि बाहर नहीं निकल सकता, और ये ऊपर का जो कवर होता है इनकी जो लेते हैं ये बंद हो जाती है और इंसेक्ट्स अंदर रह जाते हैं और फिर इसको ये खा जाते हैं. तो ये सारे जो ये जो दो प्लांट्स हमने पढ़े हैं ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं. और इनकी जो आप देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि कोई ऐसी प्लांट्स हैं मगर जब इंसेक्ट जाता है तो ये बंद हो जाते हैं, या कोई कंटेनर टाइप का है तो इसमें बंद हो जाते हैं और इजीली ये खा लेते हैं इंसेक्ट्स को. नाउ कम टू दिस इज द हाफ चैप्टर ऑफ योर एडेप्टेशन ऑफ लिविंग थिंग्स. आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड दिस पेजेस, ओके, एंड रीड इट बाई योर सेल्फ, ओके, एंड रीड इट एट होम. थैंक यू स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12. नाउ टॉपिक इज कैमोफ्लेज. A color or shape that makes an animal or plant hard to see is called camouflage. ये पिछले जो है आपके प्रीवियस में डिस्कस कर चुकी हूँ कि camouflage क्या होता है. camouflage होता है कि जो है कोई भी कलर या शेप जो है वो एनिमल को देखने में मुश्किल हो, उसको हम camouflage कहते हैं, सही है. इट इज़ अ ग्रेट एडेप्टेशन लिविंग थिंग camouflage फॉर देयर सर्वाइवल. द हंटर एनिमल यूज इट टू कीप फॉर बीइंग सीन बाय प्रे. अच्छा जो दूसरे एनिमल जो शिकार करने के लिए आते हैं तो उनको देखने में मुश्किल होती है, तो इस तरह जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है. तो जैसे कि आ हेयर इन समर, आ हेयर इन विंटर, और कैमोफ्लेज की ये एग्जाम्पल्स हैं. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैमोफ्लेज. कैमोफ्लेज में ये देखें तो ये बिल्कुल स्टेम की तरह दिख रहा है, लीफ लाइक कलर, ठीक है. ये इंसेक्ट्स है और ये इसको हम कैटीडेट कहते हैं. और ये कैटीडेट क्या होता है कि ये अपने आप को बिल्कुल कलर इसका इस तरह होता है कि ये अपने
कलर इसका इस तरह होता है कि ये छुप जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे एनिमल जो है इसका शिकार नहीं कर पाते। थर्ड है वॉकिंग स्टिक्स। वॉकिंग स्टिक्स जो होती है वो बिल्कुल स्टैम्प की तरह दिखती है, इट्स लुक लाइक अ स्टैम्प, ठीक है। और इट्स एनिमी कैन नॉट सीन इट ईजली। इसी तरह अब पेबल प्लांट। पेबल प्लांट जो होते हैं वो स्टोन्स की तरह दिखते हैं, ये देखने में स्टोन्स लगते हैं मगर ये होते हैं प्लांट हैं, तो इसी तरह ये भी बच जाते हैं, उनको फिर ईजली नहीं देखा जा सकता। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इस मिमिक्राई। मिमिक्राई क्या होता है? मिमिक्राई वो लिविंग थिंग्स होते हैं जो हाइड कर लेते हैं, या एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, तो हम उनको मिमिक्राई कहते हैं। सम एनिमल्स और प्लांट जो है ना मिमिक होते हैं ताकि वो एनिमीज को अवॉइड कर सके या कैच कर सके फूड, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है किंग स्नेक और कोरलन स्नेक। किंग स्नेक जो है ना वो बिल्कुल ही सिमिलर लगता है डेडली कोरल स्नेक की तरह, क्योंकि किंग स्नेक पॉइजन नहीं होता जबकि कोरल स्नेक पॉइजन होता है, तो इसीलिए जो है ना ये ईजली एक दूसरे से हंट भी कर सकते हैं और ईजली एक दूसरे से बच भी सकते हैं, तो ये मिमिक्राई होता है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मिमिक्राई। द फ्लावर मेंटिस। फ्लावर मेंटिस जो होता है वो लार्ज इंसेक्ट है और ये बिल्कुल आपको एक प्लांट या फ्लावर की तरह लगता है। कोई भी इंसेक्ट जो है ना उस पर आकर बैठ जाएगा तो ये लगेगा कि बिल्कुल प्लांट है जबकि प्लांट नहीं होता। एक तरह से ब्राइट कलर फ्लावर की तरह होता है, उसमें जो भी इंसेक्ट्स जाता है इसको ये कैच कर लेता है और फिर ये खा लेता है। द हॉक माउथ लार्वा। हॉक माउथ लार्वा जो होता है वो भी एक मिमिक है और इसके स्पॉट्स होते हैं और बिल्कुल इसकी जो ऐसी है जैसे स्नेक की तरह, बिल्कुल स्केरी आइज और स्नेक की तरह दिखता है और ये अवॉइड, इससे ये होता है कि एनिमीज जो है वो ये समझते हैं कि ये स्नेक है तो अवॉइड भी कर, इसके अपेयरेंस को जो है ना ये अवॉइड करते हैं और फिर खाते हैं। थर्ड इज कोबरा लिली प्लांट। कोबरा लिली प्लांट का जो हेड है वो बिल्कुल कोबरा स्नेक की तरह है। ये कार्निवोरस प्लांट है। इसमें क्या होता है कि ये कोई भी लगता तो ये प्लांट की तरह है या फ्लावर की तरह है मगर जब इंसेक्ट्स के ऊपर बैठते हैं तो इंसेक्ट्स को खा लेता है। कम टू द नेक्स्ट पेज। द फर्स्ट टॉपिक इज बिहेवियर। मोस्ट एनिमल्स कैन नॉट कैमिफ्रा मिमिक टू अवॉइड देयर एनिमीज। दीज एनिमल्स बिहेव डिफरेंट टू डील सिचुएशन। अच्छा ये होता है कि बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडेप्टेशन के लिए। बिहेवियर पे वो एडेप्टेशन जो है वो किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं इन्वायरमेंट में, ये बिहेवियर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सम एनिमल बिहेव इन अ ड्रेडली वे टू फ्रेटिन। अच्छा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उनका बिहेवियर ऐसा होता है डराने वाला, मतलब वो डराते हैं एनिमल एनिमीज को या कुछ भी है, तो उनको डराने की वजह से उनका बिहेवियर में ये होता है। सम बिहेवियर्स आर इनहेरिटेड। एनिमल इज ब्रॉन टू डू समथिंग, दे रिस्पॉन्ड टू हंगर, इज सच अ बिहेवियर। कुछ एनिमल्स का बिहेवियर इस तरह होता है कि वो बॉर्न ही कुछ करने के लिए होते हैं, उनका रिस्पॉन्स भी शिकार करने के लिए होता है, तो इनके ये बिहेवियर में आता है। थर्ड इज एनिमल लर्न सम बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल चिंपैंजी कैन लर्न द यूज ऑफ स्टिक टू कैच इंसेक्ट। एनिमल्स का कुछ बिहेवियर ऐसे भी होते हैं कि लर्न कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल चिंपैंजीज की बात की जाए तो चिंपैंजी जो होते हैं वो बेसिकली स्टिक्स का यूज़ सीखते हैं, यूज़ करते हैं स्टिक्स का ताकि कैच कर सकें इंसेक्ट्स को। लाइंस कर्व ये जितने भी कर्व्स होते हैं लाइंस होते हैं वो बेसिकली सीख रहे होते हैं कि हन शिकार किस तरह करना है, तो ये इनके सब बिहेवियर में आता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक हाइबरनेशन। हाइबरनेशन ये होते हैं कि कोई भी जो होते हैं जैसे कि सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग लिजर्ड बैट्स बियर एक्सेट्रा, ठीक है, कैन नॉट बियर कोल्ड, देयरफॉर दे गो फॉर विंटर स्लीप। कुछ ऐसे होते हैं जैसे ही सर्दियाँ आने शुरू हो जाती है तो कुछ एनिमल्स जो है ना वो स्लीप की तरफ चले, मतलब सोने की तरफ चले जाते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो हम हाइबरनेशन कहते हैं। ये जो है ना अपने आप को हाइड कर लेते हैं क्योंकि सर्दियाँ होती हैं तो गर्म रहने के लिए अपने आप को ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे गर्मी होती है कुछ होता है, तो वहाँ पे ये हाइबर्ड हो जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग हाइबरनेशन एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक ऑरी, और ये फॉर अ लॉन्ग पीरियड के लिए जब ये हाइबर्ड करने जाते हैं तो ना तो वो कुछ खाते हैं और ना तो कुछ पीते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे ओनली रेस्पायर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक लिविंग थिंग्स ऑफ द पास। लिविंग थिंग्स अगर पास की बात की जाए जैसे डायनासोर हैं या कुछ ऐसे हैं जिनकी अब नस्ल ख़त्म हो रही है। लिविंग थिंग्स ऑफ द पास में ये है कि कुछ ऐसे पास की बात की जैसे डायनासोर हैं अब इनकी नस्ल ख़त्म हो गई, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनकी नस्ल अब ख़त्म होती जा रही है, तो ये जो है पास के बारे में डिस्कस करेंगे। मैनी एनिमल्स एंड मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट, दे हैव नो लॉन्गर लिव ऑन द अर्थ। कुछ ऐसे हो गए जो अब नहीं रहते, ठीक है। फॉसिल टेल्स अबाउट द लिविंग थिंग ऑफ द पास। दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स कुड नॉट एडैप्ट देमसेल्फ्स टू द सराउंडिंग। और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो अडेप्ट करते हैं सराउंडिंग से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वुली मैमल्स,
वर्क लाइक एलिफेंट, ये जो है एलिफेंट की तरह दिखता था मगर अब इसकी नसल ख़त्म हो गई है, अब ये दिखते नहीं हैं, ये बिल्कुल दिखते तो एलिफेंट की तरह थे मगर अब नहीं दिखते, सही है। तो अब इनकी जो नस्ल है वो अब नहीं रही, ठीक है। ये बेसिकली इनके ठेक ईयर थे और ये कोल हैबिटेट्स थे, तो ये जो है अब नहीं रहते, अब इनकी जैसे बताते ग्रोथ ख़त्म हो गई, अब इनकी नस्ल ही ख़त्म हो गई। इसी तरह डायनासोर है, सेबर है, टू टाइगर्स हैं, अब ये बिल्कुल नहीं दिखते, अब इनकी नस्ल ख़त्म हो गई, ठीक है। नाउ चैप्टर इज़ फिनिश्ड, नाउ कम टू द एक्सरसाइज, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14, कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज फिलिंग द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट इज विच एनिमल्स प्लांट्स हैव अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट। कौन से प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं जिनको बेटर चांस मिल सके सर्वाइव करने के लिए एनवायरनमेंट में, तो ये ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन पे आपको सर्कल करना है, ओके। तो इसी तरह ये आपकी पूरी एक्सरसाइज है 7 तक, ये आपको खुद करनी है, डू इट बाय योरसेल्फ एंड डू इट इन द बुक। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक यूज्ड इन द फॉलोइंग साइंस वर्ड्स। आपको ऊपर जो है गिवन हुए में साइंस वर्ड आपको सही करेक्ट ब्लैंक पे सही ऑप्शन फिल करना है, ओके। करेक्टिव ऑफ पेरेंट्स आर पास टू द डैश, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा कि आपको खुद फिल करना है, सही। तो दिस इज़ योर होमवर्क एंड डू इट बाई योर सेल्फ एंड डू इट इन योर बुक। द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड नाउ, थैंक यू स्टूडेंट्स।